परम पूज्य हर साहेब जी, अर्चनी वन्नी सन समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताओं एवं प्यारे बच्चों, आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज इस आंगन में ठीक करीब एक साल पूर्व एक बच्चे की किलकारी ने यहां प्रोग्राम रखा है। एक बच्चा इस दुनिया में आया और इस दुनिया में आकर के जश्न मनाया और उसके उपलक्ष्य में एक छोटा सा बच्चा आप सबको बुला लिया है, सबको बुलाया है आपने, आप सबको छोटा बच्चा ने बुलाया है और उसी उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम है। मुख्य बात यह है कि बच्चे का जन्म होना साथ साथ बच्चे को अच्छे माँ बाप मिल पाना और संस्कार मिल पाना, ये अच्छे बच्चे पैदा कर पाना या अच्छे माँ बाप की अहमियत निभा पाना, ये सबसे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। किसी के कोख से बच्चा पैदा हो जाने मात्र से कोई माँ और पापा नहीं बन जाते हैं, याद रखेंगे इस चीज को। आप सबके कोख से बच्चे पैदे हुए हैं, किसी के कोख से मात्र बच्चे पैदा हो जाने से कोई माँ और बाप नहीं बन जाते हैं, माँ और पापा नहीं बन जाते हैं। ये तो आपने बाहर से माँ और पापा बना है, क्या उस माँ की अहमियत आपने निभाया है, क्या पिता का अहमियत आपने निभाया है, क्या आपने दादा और दादी होने का अहमियत आपने निभाया है, क्या आपने बड़े पिताजी बड़ी मम्मी होने का अहमियत आपने निभाया है? आपने नहीं निभाया तो फिर आप ना माँ हो सकते हैं, ना पापा हो सकते हैं, ना दादी हो सकते हैं, ना दादा हो सकते हैं। बच्चे को पैदा कर लेना और पैदा करके उसको पाल पोस करके बड़ा कर देना, अपना दूध पिला देना, इतने मात्र से कोई माँ और पापा नहीं बन जाते हैं। माँ और पापा बनने के लिए, मम्मी पापा बनने के लिए, दादा दादी बनने के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, एक बहुत बड़ा मिसाल उठाना होता है, अपने जीवन की कुर्बानियां देनी होती है, बहुत कुछ अपने मन की लालसाओं को किनारे करना होता है और उन बच्चे के भविष्य को सामने रखना होता है, तब कहीं मम्मी और पापा बनते हैं, कितने लोग हैं जो बच्चे को तो पैदा कर देते हैं लेकिन बच्चे के अंदर वो अंकुर पैदा नहीं कर पाते हैं, वो संस्कार नहीं भर पाते हैं, नहीं दे पाते हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चे बर्बाद हो जाते हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, साथ साथ अपने इर्द गिर्द रहने वाले के जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसमें जिम्मेदारी ज्यादा किसकी होती है? मैं समझता हूँ बच्चे के बिगड़ने में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी माँ और बाप की होती है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ये सद्गुरुदेव की जय लगाया ना, वो हाई अलर्ट है। आप सबका ध्यान कहीं और चला जा रहा है, मैं आपके ध्यान को केंद्रित करना चाह रहा हूँ। आपसे मैं पूछूंगा कि क्या आप मम्मी पापा बन गए हैं? आप कहेंगे मम्मी पापा बन गए हैं, आप तो कह देंगे, लेकिन और प्रश्न पूछता जाऊंगा, क्या आप मम्मी पापा का दायित्व भी निभाते हैं? तो कहेंगे हाँ। फिर मैं पूछ दिया, क्या मम्मी पापा होने के बाद में कभी आपस में बच्चे के सामने लड़ते तो नहीं हैं? कहेंगे मेरे पास इसका उत्तर नहीं है, हम लोग लड़ लेते हैं कभी कभी। फिर पूछ दिए, दादी दादा तो है, दादी दादा है तो क्या आपके अंदर वो प्रेम टपकता है जीवन में, आपके जीवन में वो रसपान होता है बच्चों को,
जिससे आपके बच्चे, आपके पोते, आपके घर के बच्चे आपसे कह सके कि मैं कैसे माँ बाप के कोख से जन्म लिया हूँ, जो कि मैं धन्य हो गया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहुत से बच्चे हैं आज जो अपने ही माँ बाप के सामने नहीं जाना चाहते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो अपने एजुकेशन में, अपने पढ़ाई लाइफ में अपने माँ बाप को लोगों से परिचित नहीं कराना चाहते हैं। पूछा गया, ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं, मेरे माँ बाप है करके लोगों को, मेरे दोस्तों को बताने में मुझे शर्म महसूस होती है। क्यों? या तो बच्चे में कमी है या तो आप में कमी है। या तो बच्चे में कमी यह है कि उनको वैसा संस्कार नहीं दिया गया, वैसा शिक्षा, वैसा देन, वैसा पढ़ाई नहीं हुई इसकी। आज के बच्चे समझते हैं, बच्चे आज के माँ बाप समझते हैं, बच्चे को पैदा कर देना, बच्चे को पढ़ा लिखा देना, अच्छे योग्य बना देना, नौकरी मिल जाए, इतनी ही दायित्व तो समझते हैं। और शायद ये बहुत बड़ी दायित्व तो नहीं है, ये बहुत छोटी सी दायित्व तो आप निभाते हैं। एक बहुत छोटी सी दायित्व तो निभाते हैं कि आप बच्चे को पैदा करते हैं, पैदा करके दूध पिलाते हैं, बड़ा करते हैं और एक अच्छी सी नौकरी, अच्छी सी पोस्ट मिल जाती है। इतना बच्चे का आपका दायित्व तो नहीं है, इतना ही आपका दायित्व तो नहीं है। आपका दायित्व तो है कि आपके बच्चे के अंदर वो हुनर पैदा हो कि आपको सम्मान दे सके, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे सके। उनके पास पैसा ना हो तो चल सकता है। इसलिए मैं कहा करता हूं कि यदि आप बच्चे को गाड़ी नहीं देते हैं, मोबाइल नहीं देते हैं, कार नहीं देते हैं, तो बच्चे 4 दिन 6 दिन रोएंगे। और यदि आपने बच्चे को संस्कार नहीं दिया तो जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, आपको भी रुलाएंगे। और वही काम हम सब करते हैं, वही काम सब करते हैं। आप बच्चे को गाड़ी देते हैं, मोबाइल देते हैं, कार देते हैं, कभी संस्कार की बातें होती है घर में? कभी घर में बैठ करके ज्ञान चर्चा होती है कि इंसान कैसे बनते हैं, आदमी जीवन में क्या चीज सीखना चाहिए, बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान कैसे किया जाता है, संत गुरुजनों का आदर कैसे किया जाता है, मनुष्यता कैसे अपने अंदर भरना है, क्या इस बारे में भी चर्चा होती है घर में? नहीं चर्चा होती है। विकास के बारे में चर्चा होती है, ये गाड़ी खरीदना है, ये मकान बनाना है, यहाँ नौकरी में जाना है, वो करना है, इस बारे में तो चर्चा होती है। कभी क्या इस बारे में भी चर्चा होती है घर में कि जीवन कैसे जीना है, जीवन का ग्रोथ कैसे करना है? इस बारे में भी तो चर्चा नहीं होती है। जीवन सूना पड़ जाता है, जीवन सूना पड़ जाता है। इसलिए आपका दायित्व इतना ही नहीं है कि आप बच्चे को पैदा करके अच्छे नौकरी में, अच्छे नौकरी मिल जाए, इतना दायित्व नहीं है। आज जितने मैं आपको हकीकत बताना चाहूं, मैं आज हमारे भारत देश में इतना वृद्ध आश्रम है और जितने वृद्ध आश्रम है उतने जितने वृद्धाएं वहां माता और पिता लोग हैं वो किनके बच्चे हैं? वो किसान वर्ग के बच्चे नहीं हैं, किसान वर्ग के बच्चे के माँ बाप नहीं हैं, ये उन लोगों के माँ बाप है जो नौकरी करते हैं, जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की है, जिनके पास पैसा खूब है, लेकिन माँ बाप के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है। शायद आप भी तो वही गलती नहीं करते हैं। यदि आज आप अपने बच्चे को 2 वक्त का टाइम नहीं दे सकते हैं, यदि आज आप अपने जीवन को टाइम नहीं दे सकते हैं, सिर्फ बिजनेस, व्यापार, गाड़ी घोड़ा, धन दौलत, इतने में ही आपका जीवन गुजर जाता है, तो फिर महत्व किसका हुआ? उस गाड़ी का महत्व है, उस दौलत का महत्व है, उस धन का महत्व है, उस संपत्ति का महत्व है, उस पद का महत्व है, आपका कोई महत्व नहीं है जीवन में। इसलिए तो आप अपने जीवन में टाइम नहीं देते हैं। यदि आपके जीवन में आपका महत्व होता तो आप अपने जीवन के लिए इस बेशकीमती समय को रात्रि के समय 1 घंटा 2 घंटा बचाते, आपस में ज्ञान चर्चा करते, लेकिन इस चीज से वंचित रह जाते हैं। माँ बाप सोचते हैं जैसे ही बच्चे पैदा हो इतनी अच्छी पढ़ाई हो उनकी और इतनी अच्छी पढ़ाई हो खूब पैसा कमाएं। और होता क्या है पता है? सच में आपके बच्चे इतना पैसा कमाते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, आपने जो चाहा वो होता है। आपके बच्चे नोट बनाने की फैक्ट्री बन जाता है। आपने चाहा बच्चे पैसा कमाए, पैसा कमाया। आपने कभी चाहा है कि मेरे बच्चे नौकरी लगे या ना लगे, मेरे बच्चे बहुत बड़े पोस्ट पर जाए या ना जाए, लेकिन मेरे बच्चे के अंदर इंसानियत हो,
मेरे बच्चे के अंदर बड़े के प्रति आदर और सम्मान का भाव हो, मेरे बच्चे के अंदर बड़े बुजुर्गों को सामने झुकने का हक हो, उनके अंदर वो अहंकार नाम का चीज मत हो। क्या आपने बच्चों को ये भी सिखाया है? नहीं सिखा पाए। बच्चे को स्कूली शिक्षा के लिए जोर दिया जाता है और स्कूली शिक्षा से आदमी अच्छे पोस्ट पर जा सकता है, स्कूली शिक्षा से आदमी अच्छे पोस्ट पर जा सकता है, नौकरी कर सकता है और नौकर बन सकता है। नौकरी करना मतलब मालिक नहीं, याद रखेंगे इस चीज को आप। नौकरी करने का मतलब नौकर बन सकते हैं, अच्छे पोस्ट पर जा सकते हैं और वो भी जरूरी है जीवन के लिए। मत करिए, नहीं कह रहा हूं, वो भी जरूरी है जीवन के लिए। अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, लेकिन मालिक नहीं बन सकते। मालिक बन सकते हैं जीवन परिवर्तन केंद्र पर। और जीवन परिवर्तन केंद्र भारत सरकार के पास कोई जगह है क्या? कोई जगह है क्या जहां जीवन परिवर्तन केंद्र होता हो? भारत सरकार के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है। भारत सरकार के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जहां जीवन परिवर्तन केंद्र हो, जहां इंसानियत सिखाया जाता हो, जहां आदमी के अंदर प्रेम भरा हो, प्रेम भरी जिंदगी जिया जाता हो। ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है भारत सरकार के पास। जापान में जापान के स्टूडेंट को वहां मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाता है। हमारे सरकार के पास वैसे कोई पॉलिसी नहीं है। ये इनकी स्थिति क्या है समझ सकते हैं आप? कुछ इनकी अपनी गलती है और कुछ इनके माँ बाप की गलती है। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन सबके बीच में कहता हूं मैं। और यही गलती आप भी दोहराते हैं जीवन में, तो आप माँ बाप नहीं बन पाएंगे, माँ बाप नहीं बन पाएंगे। बैठे रहने दीजिए, बैठे रहने दीजिए कमल जी, बैठे रहने दीजिए। अभी उनको कोई चीज समझ में नहीं आएगी। कब समझ में आती है बताऊं? चर्चा खुली तो जब कोई पात्र में दूध भरा हो और उसमें आप तेल डालना चाहे तो उस पात्र में तेल नहीं जाएगा, वो तेल फैल करके गिर जाएगा। पात्र पहले से भरा हुआ है, आप पात्र को खाली करिए तब उस पात्र में आप तेल या घी भर सकते हैं। आप यहां बैठ करके अपने विचारों को खाली कर दीजिए, अपने मन को खाली कर दीजिए। बस मुझे टारगेट रखिए आप, मुझे जीवन का निर्माण करना है, मुझे जीवन को, बच्चे को एक अच्छे संस्कार देना है, एक अच्छी माँ बनना है। है ना गीतांजलि बहन? कोई बच्चे पैदा करने मात्र से माँ नहीं बनती है। आप सबके लिए है ये, सिर्फ है ये तीरों दीरान जेठान के लिए नहीं है कि इंदु बहन, छोटी बहन और गीतांजलि बहन तीनों के लिए ही नहीं है। ये हर घर के लिए है कि आप जीवन को बदलते हैं, जीने का तरीका बदलते हैं। और कैसे बदलते हैं फिर? ये आपस का प्रेम, आपस का प्रेम, प्रेम ही घर को जोड़ता है। और जहां प्रेम नहीं है वह घर टूट करके बिखर जाते हैं। मैं कहा करता हूं, मकान बनते चले जाते हैं, इमारत खड़ी होती चली जाती है और घर टूट करके बिखरते चले जाते हैं। क्या चीज है फिर? मकान बन रहा है और घर टूट रहा है। मकान किनसे बनता है आपको पता है ना? मकान बनता है छड़ से, सीमेंट, इट्टी, गारा, मसाला से मकान बनता है। और घर किनसे बनता है? क्या इससे भी घर बना जाता है? छड़ से, गिट्टी से, सीमेंट से, मसाला से क्या घर बन सकता है? आप देहाती भाषा में कह सकते हैं बन सकता है, लेकिन वो घर नहीं है, वो मकान है। तो घर किन से बनता है? घर आपस के प्रेम से बनता है, घर आपस के प्रेम से। और जिस दिन घर आपस के प्रेम टूट जाता है उस दिन वह घर टूट करके बिखर जाता है। इमारत तो खड़ी है, महल तो खड़ी हुई है, लेकिन घर टूट करके बिखर गया है। अब भाई को भाई प्रिय नहीं है, देरान को जिठान प्रिय नहीं है, सास को बहू प्रिय नहीं है, बहू को सास प्रिय नहीं है, घर बिखर गया। फिर ऐसे में बच्चे को संस्कार कहां से मिलेगा? मैंने बीच में कहा कि आप बच्चे को सिर्फ पैसा बनाने की फैक्ट्री मत बनाइए। आप आज आदमी धर्म से हटता चला जा रहा है।
सत्य से आदमी अपरिचित होता चला जा रहा है। आदमी को आदमी ने अपने को एक कैटेगरी में बांधता चला गया है। ये मेरा धर्म है, ये मेरा धर्म है, ये मेरे संप्रदाय ही है, मेरे गुरु है, ये मेरे गुरु है। यदि आपको बताऊं मैं, यदि आपको सत्य तक पहुंचना है, सत्य तक पहुंचना है, तो सारे धर्मों के आडंबर को काटना होगा, सारे धर्म के आडंबर को काटना होगा, सारे संप्रदाय के सारे मजहब को नियम को छोड़ना होगा, आपको उससे ऊपर उठना होगा, तब आप सत्य से परिचित हो सकते हैं और तब कहीं आप अच्छे इंसान बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते आप। यहां मैं कबीर पंथ की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इंसान की चर्चा कर रहा हूं। मैं ये सिर्फ कबीर पंथ के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए जरूरत है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, हर जीवन के लिए, हर मनुष्य के लिए ये प्राण दान है कि आपस का प्रेम यदि नहीं है तो घर टूट करके बिखरने में वक्त नहीं लगता है। संपत्ति बहुत है लेकिन संपत्ति काम नहीं देता है, यदि आपस का प्रेम नहीं है तो नफरत भर जाता है और नफरत से बच्चे संस्कारी नहीं हो सकते हैं। जिन्होंने धन को महत्व दिया वो परिवार को महत्व नहीं दे सकता है। दीपावली के समय हम लोग यहाँ से राजनांदगांव के पास एक प्रोग्राम में गए थे पूज्य और साहेब जी के साथ, तो साहेब जी ने एक विचार रखने से पहले एक बच्चे को खड़ा कराया और बच्चे को खड़ा कराने के बाद पूछते हैं, करीब करीब वो बच्चा 8 साल का रहा होगा, 8 साल का बच्चा था और 8 साल के बच्चे को खड़ा कराने के बाद कहते हैं इनके माँ बाप कौन है, उनके मम्मी पापा खड़े होते हैं। इतने में पूछने के बाद साहब कहते हैं, क्या इस बच्चे को तुम 1 करोड़ रुपये में दे सकते हो? कहते नहीं दे सकते, इस बच्चे को 1 करोड़ रुपये में भी नहीं दे सकते हैं, वो व्यक्ति कहते हैं। उसके बाद उनके माँ बाप से प्रश्न किया जाता है, क्या आप इस बच्चे के, आपके बच्चे 1 करोड़ से भी कीमती आपके बच्चे हैं, आप इस कीमती बच्चे के लिए आप क्या देते हैं, क्या देते हैं, खिलाना पिलाना ये तो करते हैं, कपड़ा देते हैं, मकान देते हैं, गाड़ी देते हैं, घोड़ा देते हैं, स्कूली शिक्षा कराते हैं, इसके साथ साथ इसको और कुछ देते हैं, जो महत्वपूर्ण पूंजी है क्या वह पूंजी भी आप देते हैं इसको? क्या इस बच्चे के लिए घर में बैठ करके 1 घंटा ज्ञान चर्चा करते हैं? क्या आप घर में बैठ करके कभी जीवन के बारे में चर्चा होती है कि तुमको कैसे जीवन का ग्रोथ, जीवन में ग्रोथ करते जाना है, इस बारे में भी कभी चर्चा होती है? माँ बाप कहते हैं नहीं होती है साहेब जी। तो फिर आपने बच्चा तो पैदा कर दिया, आपने माँ बाप, आप माँ बाप तो बन गए बाहर से लेकिन आप अंदर से माँ बाप नहीं हो पाए हैं, अभी तक नहीं हो पाए हैं। और शायद आप सबसे भी कहूंगा कि आप सब भी यही गलती करेंगे तो आप नहीं हो पाए हैं। यदि आज भी आप आपस में पति और पत्नी लड़ते हैं तो सही माँ बाप नहीं बन पाए हैं। आज भी आपस में यदि देरान और जेठान लड़ते हैं तो सही आप न बड़े मम्मी बन पाए हैं, न चाची बन पाए हैं, न माँ बन पाए हैं। आज भी आप घर में सास और बहू लड़ रहे हैं तो आप क्या यही शिक्षा देंगे बच्चों को? आपने साल भर 364 दिन आप बच्चे को अध्यात्म की परिभाषा सिखाते हैं, 364 दिन अध्यात्म की परिभाषा सिखाते हैं और 365 दिन में 1 दिन आप लड़ाई होते हैं ना, वो बच्चे वो एक्सेप्ट करता है, बच्चे उस चीज को एक्सेप्ट करता है और वही देखता है कि माँ बाप आपस में कैसे लड़ते हैं, मम्मी पापा आपस में कैसे लड़ते हैं, आपस में चाची चाचा कैसे लड़ते हैं, दादी दादा आपस में मम्मी और दादी कैसे लड़ते हैं, ये चीज बच्चे सीखते हैं। आपने जीवन को बदलना है, जीवन को बदलना है, जीवन में रूपांतरण, यही एक जगह है जिस जगह को कहा जाता है जीवन परिवर्तन केंद्र, तब जीवन में बदलाव आता है। और ये चीज नहीं किया, स्कूली शिक्षा बस देते गए, बच्चे बढ़ते चले गए, बच्चे का विकास होता चला गया और अध्यात्म विकास नहीं हुआ तो बच्चे फिर वंचित रह जाएंगे, बच्चे वंचित रह जाएंगे, अध्यात्म की शिक्षा से वंचित रह गए, वो बच्चे का विकास नहीं हो पाएगा।
इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अच्छे शिक्षा और अच्छे बोलिए सदगुरुदेव की जय। इनके बच्चे क्या सीखेंगे इनसे? इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार यही चीज में प्रकाश डालने का प्रयास कर रहा हूं। बिगड़ने में वक्त नहीं लगता है, बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। कब बच्चे भटक जाते हैं, इनके माँ बाप क्या इनको अच्छे आशीर्वाद देंगे? अपने को कोसते होंगे, इससे तो दुर्भाग्य व्यक्ति होता कि मेरे कोख से ऐसे बच्चे पैदा ही ना लेते। कितने कोसते होंगे इनके माँ बाप, अपने आप को कोसते होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप बच्चे के अंदर वो संस्कार भरना कि आपको अपने आप को कोसना ना पड़ जाए। इनके बच्चे कोसते होंगे अपने आप को कि ऐसे अच्छा होता कि मैं इस दुनिया में पैदा ही मत होता। इनके ही बच्चे कोसते होंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन करता हूं कि आप जीवन में सत्संग का महत्व समझिए, और सत्संग का महत्व समझ में नहीं आएगा तो जीवन को आप कोसते रह जाएंगे और आप अपने जीवन से बहुत दूर चले जाएंगे। आप अपने ही जीवन से दूर चले जाएंगे। अपने जीवन से दूर चले जाने का मतलब क्या है? आप अपने माँ बाप के नहीं हो पाएंगे, आप अपने पत्नी के नहीं हो पाएंगे, आप अपने बच्चे के नहीं हो पाएंगे, आप अपने भाई के नहीं हो पाएंगे, आप अपने बहन के नहीं हो पाएंगे, आप अपने ही घर वालों से बेघर हो जाएंगे। कैसी स्थिति होगी हमारी? हम जीवन को जब गलत ओर ले जाते हैं, गलत ओर डाइवर्ट कर देते हैं, तो जीवन कैसे बर्बाद हो जाता है। इसलिए आज जरूरत है धर्म की, आज जरूरत है इसलिए अध्यात्म की आज जरूरत है, इसलिए कबीर की शिक्षा की आज जरूरत है, इसलिए दान और धर्म की चर्चा इसलिए की जाता है। जो आदमी गलत जगह पैसा लगाएगा वो दान धर्म नहीं कर सकता है, और वही आदमी जब अच्छे जगह पैसा लगाता है, एक एक रुपये जोड़ता है, तो क्या करता है? उस एक एक रुपये से घर का खर्चा भी चलाता है, बच्चे के एजुकेशन पढ़ाई भी देखता है, परिवार का ग्रोथ भी करता जाता है, और साथ साथ दान धर्म को भी समझता है। वो समझता है कहीं मैं एक मेरे जीवन में जो कुछ हिस्से हैं, मैं यदि जीवन में 100 रुपये कमाता हूं तो 100 रुपये में यदि मैं 10 रुपये 5 रुपये का मैं इकट्ठा कर करके अपाहिजों को, गरीबों को, अनाथों को, गरीब लोगों को अच्छे स्थानों में, आश्रमों में यदि दान कर देता हूं तो मैं पुण्य का भागीशाली होगा। जहां गरीब लोगों को सहायता होता है, जहां पर अध्यात्म की चर्चा होती है। लेकिन अब ये भी एक बिजनेस चल चुका है। जिस आदमी को कुछ नहीं आता वो आदमी सबसे बड़ा धार्मिक बन जाए, और धार्मिक बनने का ढोंग क्या है बताऊं? लंबा चंदन चोला लगा ले, कपड़े बदल ले। हम लोग भी हो उसमें, किसी के लिए क्षम्य नहीं है। अगर कर्म खराब है तो हम भी वही हैं। मैं क्षमा किसी के लिए बात नहीं करता हूँ कि हम श्रेष्ठ है, मैं ये चीज नहीं कहता हूँ। यदि कर्म खराब है तो हम भी वही हैं। लंबा चंदन चोला लगा ले, बाल बढ़ा ले, कपड़ा बदल ले, और एक और अच्छा बिजनेस करना है तो एक मंदिर बना ले, बस उनका बिजनेस चलेगा, खूब चलेगा। और इसमें किसका है? चाहे कबीरपंथी कहो, चाहे गायत्री वाले कहो, चाहे ओम नमः शिवाय वाले कहो, चाहे किसी को कहो, मैं किसी के लिए क्षम की परिभाषा नहीं है इसमें। जो सदगुरु कबीर साहेब जिन ज्ञान चर्चा के लिए, जिस मूर्ति पूजा के लिए खंडन करते आए, वही आज कबीर पंथी लोग वही चर्चा करते हैं। अब कबीर की पूजा करो मुक्ति मिल जाएगी, क्या कबीर साहेब की पूजा करने से मुक्ति मिल? जीवन में कैसे भी कर लो, बस पूजा करो मुक्ति मिल जाए, ऐसे भी कहने वाले हो गए हैं। अब पूजा पाठ धर्म कर्म एक किनारे रह जाता है। अगर जीवन खराब है, आचरण खराब है, कर्म खराब है, तो कबीर कबीर जपते रह जाएंगे जीवन में, कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा।
जीवन में परिवर्तन करिए, पहले अपने विचारों को परिवर्तन करिए, अपने कर्मों में परिवर्तन करते जाइए, अपने घर में एक नए क्रांति लाइए, अपने घर में प्रेम का संचार करते जाइए। जिस बीच में आप जीते हैं, जिस परिवार के बीच में आप जीते हैं, उन्हीं परिवार के बीच में एक ऐसा माहौल तैयार करिए कि आपको अपने आप से प्रसन्नता महसूस हो। जीवन की सबसे बड़ी सफलता यही है। आपके पास कितनी संपत्ति है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने धन दौलत है, कितने बच्चे हैं, कितने परिवार हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि आपके मन की प्रसन्नता बरकरार रहे और चेहरे की मुस्कुराहट बनी रहे। आप एक छोटे झोपड़ी में भी रहते हैं और आपकी चेहरे की प्रसन्नता बनी हुई है और मन चेहरे की मुस्कुराहट बनी हुई है और मन की प्रसन्नता बरकरार है, तो आपसे फिर धनी आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, कोई नहीं हो सकता है। जिसे हम बड़े आदमी कहते हैं, जिसके पास में करोड़ों करोड़ों रुपये की संपत्ति है, रात में करवटे बदलते रह जाते हैं, नींद नहीं लगती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, नींद की गोलियां लेनी पड़ती है, मेडिकल में बैठते हैं, कमल भाई से पूछेगा कि नींद की गोलियां किनके यहाँ ज्यादा जाती है। ये बड़े बड़े लोग खरीदते हैं नींद की गोलियां, छोटे तबके के लोग जिसे हम गरीब कहते हैं वो लोग नींद की गोलियां नहीं खरीदते हैं। रोड के किनारे में दिन भर काम करते हैं, रोड के किनारे में तंबू तान करके सो जाते हैं, जैसे सोते हैं नींद लग जाती है, 6 से 8 घंटे उनकी नींद नहीं खुलती है, एक नींद सोते हैं। लेकिन जिसका कर्म खराब है, जिसका आचरण खराब है, जिसका जीवन बर्बाद हो चुका है, जिसे हम बड़े बड़े लोग कहते हैं, घंटों पूजा भी करते हैं, पूजा पाठ में भी कमी नहीं है, लेकिन बेईमानी करना भी नहीं छोड़ते हैं। समझते हैं कि मैं पाप करता हूं पाप धुल जाएगा, यदि पाप शरीर में लगता तो पाप शरीर से धुल जाता, पूजा करने से अगर शरीर में पाप होता तो पूजा करने से शरीर की पाप भी खत्म हो जाता। लेकिन जीवन में पाप है, मन में पाप है, मन के पाप के लिए आपको विचार बदलना होगा, जीवन जीने की शैली बदलने होंगे। इसलिए मैंने शुरू किया था अपने बात कि मात्र माँ बाप अपने कोख से बच्चे को पैदा कर लेने मात्र से कोई माँ और पापा नहीं बन जाते हैं, बल्कि उसके लिए बहुत बड़े बीड़ा उठाना होता है और वह बीड़ा कोई बिरले बिरले लोग उठाते हैं, कोई बिरले बिरले लोग उठाते हैं। बाकी तो सब बच्चे को पैदा कर देते हैं, स्कूली शिक्षा दे देते हैं, अपना भी जीवन जीते हैं, बच्चे भी जीवन जीते हैं, लेकिन जो शिक्षा देना चाहिए वो शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और इस सब में गिनती हम सब की आती है, हम सब में इसकी गिनती आती है। बहुत कम माँ बाप होते हैं जो बच्चे को एक अच्छी शिक्षा दे सके, और अच्छी शिक्षा, सबसे बड़ी अच्छी शिक्षा अध्यात्म की शिक्षा होती है, अध्यात्म की शिक्षा होती है। आपस का प्रेम, मैंने पहले ही कहा, आपस का प्रेम यदि टूट जाता है तो घर टूट करके बिखर जाता है, और प्रेम नहीं है तो घर में आनंद नहीं है, उस घर में का माहौल ही बेकार होगा। एक दूसरे से सब गाल फुलाए फुलाए रहेंगे, एक दूसरे से सब बात नहीं करना चाहेंगे, उस घर की रौनकता बेकार हो जाएगी, उस घर के बच्चे के संस्कार को संस्कार में बदल जाएंगे। देखेंगे आपस में मम्मी चाची बड़ी मम्मी आपस में ही बात नहीं करते हैं, क्या हो गया है। यदि आपसे आकर के पूछते हैं कि मम्मी आप अपने बड़ी मम्मी से क्यों बात नहीं करते हो, आपके पास उत्तर नहीं होगा, और उत्तर होगा तो गलत उत्तर होगा। क्या उत्तर देंगे आप, आपकी बड़ी मम्मी ठीक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करती, या कहेंगे आपके चाची ठीक नहीं है इसलिए मैं बात नहीं करती, यही तो कहेंगे। क्या कहेंगे कि मेरे स्वभाव खराब है बेटा इसलिए मैं बात नहीं करना चाहती, ये चीज तो नहीं कहेंगे। सुधारिए अपने जीवन को, और ये सुधारना सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, ये अपने लिए ही सुधारना है, अपने लिए। यदि आप खुद अच्छा जीवन जीते हैं तो आपको एक सरल उदाहरण बताऊं मैं, जैसे आप एक पात्र में बर्फ रखते हैं तो बर्फ रखते हैं तो क्या करता है, पात्र में बर्फ रखते हैं तो पात्र, जिस पात्र में बर्फ रखते हैं वो पात्र भी ठंडा होता है, उसके साथ साथ उसके आभा मंडल भी ठंडे हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ,
यदि आप खुद अच्छा होते हैं तो आपके अंदर खुद शीतलता होती है, उसके साथ साथ परिवार वालों को शीतलता महसूस होती है, पड़ोसी को शीतलता महसूस होती है। मतलब आप बदलते हैं तो आपके परिवार का माहौल बदलता है, आप नहीं बदलते हैं तो आपका परिवार का माहौल खराब हो जाता है। इसलिए आपस में सास बहू देरान जिठान आपस का प्रेम बनता रहे, उस घर के बच्चे का भविष्य अच्छा होता है, उस घर के बच्चे संस्कारी निकलते हैं। एक घटना बताऊं आपको, एक बार की बात है, आपस में सास बहू रहते थे लेकिन सास बहू में यही एक कमी रह गई थी जिस बारे में चर्चा कर रहा हूं। कौन सी कमी? सब कुछ था परिवार में, सब कुछ था लेकिन संस्कार की कमी रह गई थी। और संस्कार की कमी के अभाव में आपस में सास और बहू आपस में रोज लड़ते थे, आपस में रोज लड़ते थे। एक दिन लड़ाई स्थिति ऐसी आती थी कि रोज लड़ते लड़ते इतनी दर्दनाक स्थिति होती थी कि रोज लड़ते लड़ते सासू माँ रोते रोते कमरे में जाती थी। मतलब क्या है इसका? मतलब यह कि थोड़ा बहुत तेज तर्रार रही होगी, जो कोई होंगे वो सोच ले अपने ऊपर, बहुत थोड़ा तेज तर्रार रही होगी और लड़ाई के दौरान रोज लड़ते लड़ते सासू माँ कमरे में जाती थी रोते रोते। ये घटना को रोज उसका छोटा सा पोता देखता था, रोज मात्र 5 साल का उसका पोता देखता था ये घटना को। एक दिन ऐसी स्थिति होती है कि ये घटना को देखा और उसके रोते रोते बुढ़िया माँ घर में जा रही है, उनकी सासू माँ घर में जा रही है, उसके पीछे पीछे उसका पोता पीछे पीछे जाता है और पीछे पीछे जाता है और अपने पोते का पल्लू उठाता है, अपने दादी माँ का पल्लू उठाता है उसका पोता, और अपने दादी माँ का आंसू पोछते पोछते बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्टा है। एक छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा देख रहा है, गलती किसकी है? बच्चा, आजकल के बच्चे कंप्यूटर माइंड के बच्चे हैं, आप जो चीज नहीं सिखाते हो बच्चे सीखते हैं। आपके घर में, इसलिए मैंने कहा 364 दिन आप अच्छे से रहते हैं और एक दिन 365वें दिन आपस में लड़ते हैं ना, वो बच्चे एक्सेप्ट कर लेता है, वो बच्चे एक्सेप्ट कर लेता है। एक दिन की गलती बहुत भारी पड़ जाती है आपके लिए। और बच्चे अपने दादी माँ के साथ कमरे में जाता है और जाते जाते अपने दादी माँ का पल्लू उठा करके पोछता है और बोलता है, दादी माँ तुम रो मत, मेरी माँ बहुत दुष्ट है, और जब मैं भी बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा, तुम अपने सासू माँ की कभी सेवा मत करना, क्योंकि तुम्हारी सासू माँ हमेशा अपने सासू माँ से लड़ाई किया करती थी। क्या सीखे बच्चे ने? उनको संपत्ति दिया, परिवार दिया, गाड़ी दिया, धन दौलत दिया, शिक्षा दिया, लेकिन क्या संस्कार दिया उन्होंने? संस्कार के अभाव में घर बिखर गया, संस्कार के अभाव में अपने ही सास, अपने ही बहु बेटे से दूर चले गए बच्चे, अपने ही बहु बेटे से अपने दूर चले गए माँ बाप। क्या आप यही चाहते हैं? इसलिए आप सबसे निवेदन है कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार की बहुत जरूरत है। शिक्षा के अभाव में यदि संस्कार नहीं दे पाए, आपके पास बहुत पैसा नहीं हो तो आप शिक्षा बहुत अच्छे एजुकेशन बहुत बड़े स्कूलों में पढ़ाई नहीं करवा पाएंगे, हो सकता है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई कमी नहीं है कि आप अच्छे संस्कार ना दे सके बच्चे को। आपको दिन रोना ना पड़े तब सौभाग्यशाली होगा। मैंने काफी देर तक आप सबके बीच में बच्चे को कैसे शिक्षा और संस्कार दिया जाता है इस पर कुछ कहने का प्रयास किया। इसी प्रकार के विचारों को आप सुनते रहिए और बीच बीच में मैं निवेदन किया करता हूं कि संतों के विचार जो जीवन में परिवर्तन लाता है, और जीवन में परिवर्तन वही विचार ला सकता है जिसमें कर्मकांड और पाखंड ना हो। कर्मकांड और पाखंड से जीवन में परिवर्तन नहीं आता है, इस चीज को ध्यान देंगे। कर्मकांड और पाखंड क्या है? कर्मकांड उसे कहते हैं जो कहा जाता है किया नहीं जाता है, उसे कर्मकांड कहा जाता है। कहा जाता है किया नहीं जाता है उसको कर्मकांड कहा जाता है, और उसी का बड़ा रूप को पाखंड कहते हैं।
जैसे हम सब अभी ज्ञान चर्चा कर रहे हैं और ज्ञान चर्चा सुन बस रहे हैं और जीवन में हम सब बदलाव नहीं करते हैं तो हम सब बैठे हैं, सबके सब क्या है बताऊं? सबके सब कर्मकांडी हैं और कुछ नहीं है, और कर्मकांडी जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता है। इसलिए आप सब कर्मकांडी ना बने, जीवन में परिवर्तन लाए।